तो इससे कैरियर मैनेजमेंट के लिए आपको फोर फैक्टर्स जो है वो पता होने चाहिए। पहला नो योर सेल्फ, जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वहां पर मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड टैलेंट, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ब्रेन डोमिनेंस, मोटिवेशन लेवल, पर्सनालिटी टाइप, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी। कैरियर प्लानिंग में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेट करना पड़ेगा जिसमें वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। क्या आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको आप थैंक्स बोल रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल में हो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, चाहे आपके पास जो भी गाड़ी हो, चाहे आपके पास जो भी मोबाइल हो सकता ना हो, लेकिन क्या आप थैंक यू बोल रहे हैं। योर वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईक्यू जो है वो पढ़ाई से थोड़ा सा बिहेवियर साइड ज्यादा आता है। फिर कोर्स सिलेक्शन, कैरियर सिलेक्शन के अलावा आपका प्लान ए और प्लान बी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान ए जो है वो स्टडी ओरिएंटेड होना चाहिए, प्लान बी जो है वो स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको पढ़ाई में हेल्प करने वाली चीजें वो स्टडी एंड मेमोरी टेक्निक्स। अभी तक आपने ऐसी कोई भी टेक्निक्स जो है वो अगर सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे इन चीजों को माइंड में रखकर आगे बढ़ना है। विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक VA के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग स्टाइल, स्टडी टेप्स, रिविजन, मेमोरी, रीडिंग, हैप्पी एग्जाम टेक्निक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोटोग्राफिक मेमोरी। और इसके अलावा लाइफ स्किल, लाइफ स्किल में अगर स्टूडेंट की बात करें तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज योर माइंड मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आपका कोई भी टैलेंट हो, आपका कोई भी स्किल हो, आप उसमें एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। इफ यू हैव विल पावर, विल पावर के साथ सारी जो विल पावर और ट्रेनिंग के साथ हर एक चीज जो है वो पॉसिबल है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल के साथ हम करियर ऑप्शन को बिल्ड करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, पहला हमने बहुत जो टॉप च्वाइसेस होती है वो हमने यहां पर लिए। मैनेजमेंट के लिए आपके अंदर अलग अलग स्किल्स होते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो कौन कौन से स्किल्स और क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे देखना है। मैनेजमेंट के लिए आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो है वो हाई होना चाहिए, साथ में बैलेंस ऑफ EQ and EQ। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के लिए लॉजिकल, और अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जा रहे हैं तो विजुअल एंड फाइन मोटर एंड क्रिएटिव। और नेक्स्ट आपका जो कैलकुलेशन है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अगर आप डिजाइनिंग में जा रहे हैं किसी भी डिजाइनिंग फील्ड में, तो आपके विजुअल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी इस दुनिया में बना है वो पहले यहां माइंड में आया है, उसके बाद इस रियल वर्ल्ड में आया है। मेडिकल फील्ड में नेचुरलिस्टिक लॉजिकल स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में जरूरी है हाई EQ विद बैलेंस EQ एंड AQ। क्यों? नेक्स्ट है लॉ फील्ड, लॉ फील्ड अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो लॉजिकल, क्योंकि आपको पढ़ाई और जो सेक्शन है वो याद रखना होंगे, और जरूरी नहीं कि आप लॉ करके आप एडवोकेट ही बनेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बहुत बड़ा करियर ऑप्शन, अभी हम देखेंगे सारे करियर ऑप्शन। तो लॉजिकल के संग लिंग्विस्टिक, क्योंकि आपके पास बोलने की कला होना चाहिए, और साथ साथ हाई EQ और AQ, मैन्युपुलेशन टेक्निक जो है वो हाई IQ और AQ से आती है। CA और CS के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, हाई EQ, AQ एंड बैलेंस EQ। स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहे हैं तो काइनेस्थेटिक स्किल, यानी कि बॉडी लेवल और विजुअल। आप देखेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहे हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके आईज के पास आ रहा है तो वो जो जजमेंट होता है टाइम एंड मोशन स्टडी का, वो विजुअल से किया जाता है। साथ ही साथ पूरी बॉडी अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस मोटर, और सिर्फ कलाई और फिंगर्स का यूज जो है वो फाइन मोटर। कई लोग जो है उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उनके फाइन मोटर्स जो है बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग स्केचिंग और डिजाइनिंग में अच्छे होते हैं, उनके फाइन मोटर्स जो है बहुत अच्छे होते हैं एंड देयर हाई EQ एंड AQ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोगों ने पूरा 15 पॉइंट्स देखे, उनमें से ये पॉइंट्स हैं। तो यहां पर मैंने अलग अलग कोर्सेज के लिए बताया। अब आगे किसी भी कोर्स को, किसी भी करियर को ऑप्ट करने के पहले गो विथ बहुत एक सिंपल आएंगे इसमें टिप्स अनालिसिस है, TIPS, टिप्स अनालिसिस। टैलेंट, इंटरेस्ट, पैशन एंड स्किल। टिप्स अनालिसिस याद रखिएगा, टैलेंट ये इनबॉर्न होते हैं, आपके अंदर ही होते हैं,
ये वो जो टैलेंट, जो कुछ टैलेंट जो है हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ टैलेंट को एक्सप्लोर लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये आप अपना स्कैनिंग करके देखेंगे लास्ट ईयर का, तो आपको समझ में आएगा कि आपको आज से 3-2 साल पहले कुछ पसंद था, 1 साल पहले कुछ, अभी कुछ पसंद है, और शायद अगले 6 महीने बाद कुछ और पसंद होगा। तो बी स्पेसिफिक ऑन योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज योर पैशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वन इज आप कौन कौन से स्किल लर्न कर सकते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंसल्टेशन आप जो अभी देख रहे हैं वो एक करियर कंसल्टेशन सेशन है। अब नेक्स्ट आते हैं कि आप करियर असेसमेंट पे जाएंगे। फर्स्ट जो टू टेस्ट हैं, अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, सर मुझे तो बीबीए ही करना है, मुझे तो बीएससी ही करना है, मुझे तो आईआईटी ही करना है, तो एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ गो फॉर सुटेबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। एटलीस्ट कुछ तो बिहेवियर आप अपना जज कर पाए उस कोर्स को ऑप्ट करने के पहले। और इसका इसलिए इसका हमने चार्जेस जो है वो भी बहुत कम रखे हैं। सुटेबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट बोथ कम इन ए पैकेज ऑफ ओनली 299 रुपीज। यस, ओनली 299 रुपीज में आप ये, अगर आपका पहले से फिक्स है क्राइटेरिया, ध्यान से समझिएगा, पहले से फिक्स क्राइटेरिया है आपका कि हाँ सर हमको तो फिक्स है कि हमको नीट की तैयारी करना है, हमको आईआईटी की तैयारी करना है, ऐसे पेरेंट्स अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल परफेक्टली डिसाइड कर लिया तो आगे बढ़िए। लेकिन एक सुटेबिलिटी टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, सुटेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जो आपका कैरियर इंटरेस्ट की सुटेबिलिटी बता देता है कि आप जिस कैरियर में आगे जाने वाले हैं, मैं ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सुटेबिलिटी नहीं, जो कैरियर आप ऑप्ट करने वाले हैं उसकी सुटेबिलिटी। तो ये दो फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है ऑनलाइन साइक्रोमेटिक टेस्ट का, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव साइक्रोमेटिक टेस्ट। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन साइक्रोमेटिक टेस्ट है वो आपको क्या कैलकुलेशन बताएगा, वो आपको ओवरऑल कैलकुलेशन बता देगा कि आप किस चीज के लिए बेस्ट हैं, अगर आपने डिसाइड नहीं भी किया है तो भी। नेक्स्ट और एडवांस टेस्ट की तरफ जाते हैं हम, बायोमेट्रिक टेस्ट या डीएमआईटी टेस्ट, या आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन करता है और उसके बाद आपको जो है वो सारी कैलकुलेशन बताता है। एंड लास्ट वन इज कैरियर एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट फोर जो है वो साइंटिफिक है, फोर्थ तो लास्ट वन जो है वो एस्ट्रो न्यूमरो एनालिसिस है, वो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, वी हैव सोमिन शर्मा जी विद अस जो ये पूरा देखते हैं। मैं डॉक्टर चेतन राय पर फर्स्ट फोर में डील करता हूँ, मैं फिफ्थ पार्ट जो है वो मेरा पार्ट नहीं है, बट एस्ट्रो न्यूमरो एनालिसिस अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो आपको एक सही करियर गाइडेंस दे सकता है। तो मैंने बात की, करियर असेसमेंट आपने कर लिया, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आने के बाद करियर काउंसलिंग और प्लानिंग होगी। करियर और काउंसलिंग और प्लानिंग के बाद एक एडवाइस और गाइडेंस का सिलसिला जो है वो चलता रहता है, बिकॉज कई चेंजेस आपके आएंगे, कई क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यहाँ पर एडवाइस और गाइडेंस जो है वो चलती रहनी चाहिए। और लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जिस एज में हैं, आज से 7-8 साल फिजिकल मेंटल सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो एक मेंटरिंग प्रोग्राम की जरूरत होती है सारे चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंदौर या इंदौर से बाहर या फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, एज ए पेरेंट बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स बच्चों की कई चिंताएं होती हैं कि कैसे अपना ध्यान रखेंगे, खुद को संभाल कैसे पाएंगे। तो एक मेंटरिंग प्रोग्राम, और आप देख ही रहे हैं आजकल ऑनलाइन सिस्टम के संग आप कहीं पर भी हैं, पहले भी हम लोग लास्ट 2 ईयर से ये मेंटरिंग प्रोग्राम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में चला ही रहे हैं, बट अब प्योरली ऑफलाइन मोड हम लोगों ने उसमें बंद कर दिया है, मेंटरिंग प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन मोड के साथ ही हमने लॉन्च किया है, तो आप इसको भी प्लान कर सकते हैं। तो ये था मेरा सारा कुछ जो कैलकुलेशन है। एट लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कोर्स किसी भी कैरियर ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बट गो विद दी सुटेबिलिटी एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अफोर्डेबिलिटी भी है इसमें, और कहीं ना कहीं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, हम नहीं 100% मिलेगा, बट हम एटलीस्ट 30-40% तो अश्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपना टाइम दिया बहुत ही, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो सबसे प्रीशियस है। सो आपने यहाँ पर आकर अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।